घर का प्रसाद बना रहे हो लेकिन ये सोच रहे हो कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूं, तो वो क्या काम हो जाएगा? वो आपकी भक्ति हो जाएगी। लेकिन मंदिर में बैठकर यदि आप प्रसाद बना रहे हो भगवान का और ये सोच रहे हो कि ये प्रसाद भगवान को भोग लगेगा, मैं घर लेके जाऊंगी अपने घर वालों को खिलाने के लिए, तो वो भक्ति नहीं होगी, वो आपका कर्म हो जाएगा बंधन में। मतलब कॉन्शियसनेस, क्या सोच रहे हो आप? आप अगर कहीं और जगह पे जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो और ये सोचकर जाओगे कि मैं वहां पर जाऊंगा, जो भी आए होंगे उनको मैं भगवान के विषय में बताऊंगा, गीता भागवत कुछ भगवत गीता सेल करके आऊंगा, तो फिर वो आपकी भक्ति होगी। चाहे आप सिनेमा में जा रहे हो, सिनेमा में बाहर लोग खड़े हैं, उनको भी यदि आप गीता सेल करने के लिए जा रहे हो या प्रचार करने के माइंड से जा रहे हो तो वो आपकी भक्ति है। लेकिन आप यहाँ मंदिर में भी आ रहे हो और अगर बुद्धि भी कुछ और है तो भक्ति नहीं है। तो आपका कर्म जो है उसका रिजल्ट जो है आपकी भावनाओं के अनुसार मिलता है।